करते हैं। कांग्रेस बिहार में जन आकांक्षा रैली के बहाने अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। इसके तहत ही पार्टी ने 30 साल बाद आज पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया। इस रैली में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल हुए। इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी का संबोधन किसानों के साथ आज रहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, इसका दर्जा इसे मिलेगा। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, और कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। कमलनाथ जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया, बघेल जी ने उनके एकदम बाद 1 दिन के अंदर काम कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर काम कर दिया। 2 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा दिया। जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार 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 चौकीदार। फ्रांस जाता है वहां चोरी करवाता है, अमेरिका जाता है वहां आर्म्स डील कराता है चोरी कराता है, इंग्लैंड जाता है वहां आर्म्स डील करा के चोरी कराता है। भाई और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर, 1,00,000 करोड़ रुपया। मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो। 3 बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों को रोजगार दे सकते हो, उतना पैसा अनिल अंबानी स्वयं ले गया उठा के। मैंने वहां पे वायदा किया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। बेरोजगार, देखिए आप पहले शिक्षा का सेंटर हुआ करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर, पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मशहूर, सब लोग यहां आना चाहते थे, मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो। आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? बेरोजगारी के। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना? नीतीश जी ने रोजगार दिया ना? अच्छा भैया, कोई आपसे कहेगा हां भैया मैं रोजगार ढूंढने गुजरात गया, मोदी जी के गुजरात गया, वहां मुझे कहा तुम बिहार के हो, मुझे मार के वहां से भगाया गया।